हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का ये जो व्लॉग है एक वाटरफॉल पे है। हमारे सोसाइटी की ट्रिप निकली है तो एक सोसाइटी के मेंबर है, वो रिटायर्ड होने वाले थे, तो छोटा सा ट्रिप है तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप अलीबाग घूमने आ रहे हैं या फिर आप अलीबाग से हैं तो अलीबाग के पास में ही एक 12-15 किलोमीटर पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जर्नी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया आपको कि आज का जो ये टूर है हमारा, वो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ मेरा टूर है वाटरफॉल पे। तो बहुत सारे बंदे हैं जो आगे गए हैं, और मेरे साथ है आज चेतन पटेल सर और वेरुले सर, महेश वेरुले। तो हम एक गाड़ी में तीन लोग हैं, बाकी लोग आगे गए हैं, सबसे पीछे हम लोग हैं। हमारे सफर की शुरुआत हुई अलीबाग से बेलोसी गांव, जो अलीबाग तहसील में है। अलीबाग से आगे बढ़ने के बाद राइट साइड टर्न करके एक रास्ता जाता है मुरुड़ की ओर। वो रास्ता छोड़ के हमें सीधा रोहा शहर की तरफ बढ़ना है। इस रास्ते में आगे HPCL कंपनी का सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट है, इसीलिए ऐसे ट्रक आपको रास्ते में बहुत जगह मिलेंगे। शायद इन ट्रक की वजह से आपको वाटरफॉल पहुंचने में वक्त लग सकता है। अलीबाग से 15 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है वावे। वहां पहुंचने के बाद हमें राइट टर्न करने के बाद बेलोसी और आगे वाटरफॉल तक का जाने का रास्ता है। वावे से बेलोसी तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है। बेलोसी गांव में हमारे सोसाइटी के सदस्य श्री नितिन वारगे सर, इनका घर है। बेलोसी पहुंचने के बाद हमारे आगे गए सभी सोसाइटी मेंबर्स हमें वहीं पर मिलने वाले थे। बेलोसी ग्राम पंचायत के पहले एक रास्ता राइट से ऊपर की ओर जाता है, वही रास्ता हमें वाटरफॉल के बेस विलेज तक लेके जाएगा। बेलोसी से वाटरफॉल तक का रास्ता काफी छोटा है। सागवाड़ी गांव, जो वाटरफॉल के पास का बेस विलेज है, उस गांव से गुजरते वक्त अगर सामने से गाड़ी आए तो क्या किया जाए, आदमी ऐसे गहरी सोच में पड़ता है, क्योंकि लगभग उस 200 मीटर रास्ते पर एक ही गाड़ी जा सकती है, इतना रास्ता है। अभी आपके सामने है बेस विलेज की पार्किंग की जगह। यहाँ पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। मेरे अंदाज से एक साथ लगभग 35 से 40 व्हीकल वहां आप पार्क कर सकते हैं। ट्रैक को शुरुआत करने के बाद हम सभी लोग जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़े, और सबके हाथ में खाने का सामान था। वाटरफॉल तक का रास्ता जंगल और चावल की खेती से गुजरता है, इसी वजह से आपको कोकण के वो नज़ारे देखने मिलेंगे, जिस वजह से लोग कहते हैं कोकण बारिश के मौसम में स्वर्ग से कम नहीं होता। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए सिंगल रास्ता होने के कारण भीड़ बहुत थी, इसी वजह से मैंने वाटरफॉल तक जाने का दूसरा रास्ता चुना। रास्ता काफी कठिन और पत्थरों के बीच से गुजरने वाला था, इसीलिए मैं संभल के चल रहा था। वाटरफॉल के पास आने के बाद आपको वाटरफॉल से ज्यादा आकर्षित करेंगे कुछ पेंटिंग्स, जिन पेंटिंग्स को कला तरंग की तरफ से वाटरफॉल के परिसर में बनाया गया है। उनमें मुख्यतः शेर, बाघ, समुद्री बोट, कुछ पंछी और मछली, इनकी पेंटिंग्स बनाई गई है, और ये पेंटिंग्स वहां पर पत्थरों का शेप देखकर बनाई गई होगी, ऐसा देखकर पता चलता है, इसीलिए चित्रकार की चित्रकारिता को सलाम करना बनता है। यही वो जगह है जिसे देखने और आनंद लेने के लिए हम अलीबाग से लगभग 20-22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहाँ तक आए। रविवार होने के कारण वाटरफॉल पर काफी भीड़ थी। सोसाइटी के सभी सदस्य वाटरफॉल के पानी का आनंद लेने में व्यस्त थे।
ये वाटरफॉल और उसका परिसर बिल्कुल भी धोखादायक नहीं है, यानी यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ डूबने का चांस हो। वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए मैं वाटरफॉल के मुख्य प्रवाह की तरफ जाकर उसके पास बने एक रास्ते से अंदर की तरफ चला गया। कुछ लड़के वहां पहले ही बैठे हुए थे। उस वाटरफॉल के परिसर में कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं और वहां आपके खाने का यानी थोड़ा बहुत पेट भरने का बंदोबस्त हो ही जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो वाटरफॉल के ऊपर का परिसर है और यहाँ भी एक वाटरफॉल है। यहाँ आने के लिए मुख्य वाटरफॉल के बाजू से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है। कुछ लोग नीचे भीड़ होने के बाद ऊपर के वाटरफॉल के पास चले आते हैं। यहाँ के पत्थर काफी स्लीपरी है। बेस विलेज से इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। यही वो वाटरफॉल का ऊपरी हिस्सा है। वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से में आप स्लोपर का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वाटरफॉल पर आने का मुख्य कारण है हमारे सोसाइटी के सदस्य श्री श्याम महात्रे सर, इनकी रिटायरमेंट पार्टी। सभी सोसाइटी के सदस्यों ने उन्हें बुके देकर उनकी रिटायरमेंट होने के बाद आगे के जीवन सफर के लिए बधाइयां दी। दोस्तों, तो आज का ये जो व्लॉग है उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है, कैसे आना है, वहाँ तक पहुँचना है और कितना टाइम लगेगा वहाँ पर जाने के लिए। तो ओवरऑल ये जो व्लॉग है वो वन डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अलीबाग आ रहे हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। आज का ये जो व्लॉग है मेरा, वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ओवरऑल ये मेरा जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले मेरे जो व्लॉग है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।